हम लोगों ने अभी जो आसन किया उसको करने में 25 मिनट समय लगा है, ताड़ासन से लेकर के अब तक शवासन से उठने तक। और नाश्ता के पूर्व अगर 25 मिनट, स्नान आदि के पश्चात नाश्ता के पहले हम लोग इन अभ्यासों को कर लें तब तो फिर बहुत ही उत्तम होगा। और अगर प्राणायाम करने का समय नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम आसनों को हम लोग नाश्ता के पहले कर सकते हैं। वैसे नियम तो कहता है कि सभी योगाभ्यास खाली पेट प्रातःकाल होना चाहिए, लेकिन ये जो नियम है ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। ये जो नियम है ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो अपने दिनचर्या को अपने अनुसार व्यवस्थित कर पाते हैं, लेकिन समाज में बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो अपने दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं कर पाता है कार्यशैली के चलते। कभी सवेरे काम है, कभी रात को, कभी दोपहर को काम है, कभी कभी हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ऐसे लोगों को खाली पेट प्रातःकाल योगाभ्यास करने में दिक्कत होती है। और जो अस्वस्थ लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। तो सहज रूप से हम योगाभ्यास को दिन में अनेकों बार कर सकते हैं, एक ही बार में सब करने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी आपने किया मंत्र उठने के पश्चात, फिर दैनिक क्रियाओं से मुक्त होकर के नाश्ता के पूर्व आसन कर लिए, 25 मिनट का समय लगा। उसके बाद अगर समय है तो प्राणायाम 15 मिनट कर सकते हैं, नहीं तो फिर समय नहीं है तो नाश्ता करके फिर आप जाइए कार्यालय में, कार्य क्षेत्र में। और कार्य क्षेत्र में जब आपको 15 मिनट का 10 मिनट का अवकाश मिलता है तब अपने दुकान में ही बैठ करके, ऑफिस में ही बैठ करके, या अगर स्वच्छ शौचालय है, हाँ क्यों नहीं, आखिर कमरा तो कमरा है ना, साफ होना चाहिए, बदबू नहीं होनी चाहिए, और वहाँ भी कर सकते हैं। ये तो अपने मन की बात है कि हम कहाँ करें कहाँ नहीं करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, पाश्चात्य जगत में जब हम लोगों को कार्यक्रम देते हैं तो उनको कहते हैं कि दिन में जब तुम अपना अभ्यास करोगे तो ऑफिस में नहीं करना, टॉयलेट में जा कर के कर लेना, क्योंकि वहाँ का टॉयलेट और भारत के टॉयलेट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वहाँ के टॉयलेट में आप अपना बिस्तर लगा के सो भी सकते हो, इतना साफ सुथरा रहता है। तो खैर मैं एक बात बोल रहा हूँ, स्वच्छता पर ध्यान रखना है, कि टॉयलेट पर करने बोले स्वामी जी से कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं, एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ कि अपना समय 10 मिनट निकाल करके ऑफिस में दरवाज़ा भी बंद करके, दुकान का दरवाज़ा बंद करके 10 मिनट या एकांत में जा करके 10 मिनट आप अपना प्राणायाम कर लेना। और प्राणायाम अभी आपको दो बताए हैं, एक है मस्तिष्क के लिए भ्रामरी प्राणायाम जिसमें हम गुंजन की आवाज़ करते हैं, और दूसरा है स्नायु संस्थान के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो दो प्राणायाम है, एक है मस्तिष्क और दूसरा है स्नायु संस्थान के लिए। तो मस्तिष्क अगर तीव्र रहेगा, शांत रहेगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, काम अच्छे से कर सकते हो, बिना प्रेशर के कर सकते हो, तनाव मुक्त होकर के कर सकते हो, स्पष्टता के साथ कर सकते हो, और उस अवस्था में रचनात्मकता प्रकट होती है जब दिमाग शांत रहता है तब। और शारीरिक तनाव से मुक्ति के लिए, शारीरिक थकान से मुक्ति के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको आप लोग अनुलोम विलोम कहते हो,
उसको मुंगेर में हम लोग नाड़ी शोधन कहते हैं। अनुलोम विलोम का अर्थ होता है श्वास लेना और छोड़ना। दूसरा नाम बतलाएं, आरोहण और अवरोहण, श्वास लेना और छोड़ना, ऐसे अनेकों नाम हैं। लेकिन ये जितने भी नाम हैं ये केवल श्वास को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया की ओर संकेत देते हैं, प्राणायाम नहीं है। अभी भी आप जो कर रहे हो सामान्य श्वास, वो अनुलोम विलोम है, वो आरोहण अवरोहण है, प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम स्पेसिफिक कार्य होता है श्वास के साथ, एक विशेष कार्य को संपन्न किया जाता है श्वास के साथ, और उसका एक प्रयोजन होता है शरीर के एक भाग को, एक क्षेत्र को, एक ग्रंथि को प्रभावित करना। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो केंद्र हैं, पिनियल केंद्र, पिट्यूटरी केंद्र, ये सब उससे स्पंदन से प्रभावित होते हैं, क्योंकि मस्तिष्क के भीतर में वाइब्रेशन हो रहा है। और आपको मालूम है मस्तिष्क में एक रसायन का स्राव होता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, जो रात के समय घोर अंधकार में, निद्रा की घोर अवस्था में इस रसायन का उत्पादन होता है। कितना? एक सुई के नोक के बूंद के बराबर। और जब ये मेलाटोनिन का उत्पादन होता है मस्तिष्क के भीतर, तब उस समय सबसे गहरी नींद आती है और उसी समय तनाव मुक्ति होती है। नहीं तो आप बिस्तर में करवट बदलते रहो, करवट बदलते रहो, थकान रहेगी, तनाव मुक्त नहीं होगी। तो भ्रामरी प्राणायाम जो है, इस पर अनुसंधान हुआ था और पाया गया कि 10 बार करने से मेलाटोनिन का सेक्रेशन आरंभ होता है, और देखा गया कि उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोग के लिए, मस्तिष्क के उत्तेजनात्मक व्यवहार के लिए ये सबसे उत्तम अभ्यास है। और हम लोगों को भी अपना टेंशन कम करने के लिए, रक्तचाप को कम रखने के लिए, मस्तिष्क के तीव्रता को बनाए रखने के लिए, शांति को बनाए रखने के लिए भ्रामरी प्राणायाम तो निश्चित रूप से हर भारतवासी को निश्चित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा है, रक्तचाप का प्रॉब्लम, रक्तचाप की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस समस्या के निदान हेतु भ्रामरी प्राणायाम, और इसको हम लोग करेंगे। सीधा बैठ जाइए, वी शैल प्रैक्टिस भ्रामरी प्राणायाम 10 टाइम्स विथ फोकस ऑन द वाइब्रेशन इनसाइड द हेड। 10 बार हम लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और अपने मस्तिष्क के भीतर में जो ध्वनि से स्पंदन उत्पन्न हो रहा है उस स्पंदन पर अपने ध्यान को मस्तिष्क के मध्य भाग में केंद्रित करेंगे। कल्पना कीजिए कि जहाँ पर अगर आपका सिर खाली है, खोखला है, गोबर से भरा है, जो कि है नहीं, तो जब हम उंगली डालेंगे तो जिस पॉइंट पर उंगली मिलेगी उस पॉइंट पर भ्रूमध्य के पीछे मस्तिष्क के मध्य में अपने ध्यान को केंद्रित रखना है। तो अगर आप सोचो कि मस्तिष्क का एक क्रॉस सेक्शन किया जाए तो जो सेंटर है वहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है और 10 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। कानों को बंद करके, आँखों को बंद, 10 टाइम्स।
जब अभ्यास हो जाए तो आँखों को खोल लीजिए और दूसरे प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। रात को सोने के समय अगर किसी को नींद नहीं आती है तो भ्रामरी प्राणायाम को कर लेने के पश्चात नींद आने की संभावना बहुत बढ़ती है। तो अनिद्रा से जो लोग पीड़ित हैं, सोने के पहले 5-10 मिनट भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लें और उसके बाद सोने जाएं, तो उनको बहुत ही फायदा होगा, विश्राम मिलेगा, नींद आएगी। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं से श्वास अंदर, दाहिने से बाहर, दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर, एक राउंड हुआ, मतलब अंदर बाहर, अंदर बाहर, एक अंदर बाहर, दो। ऐसा हम लोग 10 राउंड करेंगे। और आप जितने धीरे से श्वास ले सकते हैं, जितना गहरा श्वास ले सकते हैं, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं बिना गिने, उतना लीजिए और वैसा ही छोड़िए। अपने श्वास को धीमी गति से लेने का प्रयास करना है, लंबा श्वास लेना है और वैसा ही छोड़ना भी है। तो बिना गिने जितना देर तक आप श्वास ले सकते हैं और जितना देर तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, फिर लेना, फिर छोड़ना, एक राउंड। ऐसा हम लोग 10 राउंड करेंगे। 10 राउंड्स इन्हेलेशन एक्सहेलेशन, इन्हेलेशन एक्सहेलेशन, विथ लॉन्गेस्ट स्लोवेस्ट एंड डीपेस्ट ब्रेथ दैट यू कैन टेक विदाउट काउंटिंग। शुरू कीजिए। दोनों हाथ, दोनों अंगुलियां भ्रूमध्य पर, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करके बाएं से श्वास छोड़िए और फिर शुरू कीजिए। 10 आवृत्ति, 10 राउंड, और उसके बाद फिर हाथ नीचे और फिर शवासन में लेट जाइए। श्वास लंबी और गहरी होनी है, भरपूर श्वास लेना है, भरपूर श्वास छोड़ना है। श्वास को जितना लंबा कर सकते हैं, जितना गहरा कर सकते हैं, करिए। दाहिने से अंदर, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, दाहिने से बाहर, इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास को करते जाइए।